अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, कम्युनिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड वर्क 10 मिनट का, फिर अपन छापेंगे। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। ठीक, पहले पकड़ना सीखे कि मीनिंग क्या है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कम्युनिटी को हम कुछ अलग मायने में सोचते हैं, सोशियोलॉजिकल मीनिंग थोड़ी अलग होगी इसकी, राइट। जो समाज के अंतर्गत ही हम किसके आ रहे हैं, आपके समुदाय पर। फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 साल में हर साल एक क्वेश्चन आया है इससे, फिर आएगा ये। सिर्फ परिभाषा तो कितने नंबर पे, 2, और साथ में विशेषता हो जाएगा तो 4 और कितना, 8, और जो 8 होता है वो 10 भी हो सकता है, 15 नंबर का उसमें आएगा नहीं। अब समुदाय है क्या, पकड़ते हैं इसको। तो परिभाषा से पहले उसकी कुछ बेसिक एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए होता है। पहला, ठीक, समुदाय, ये आपको फील आ रहा कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, सही ना। तो पहला है कि 2 या 2 से क्या अधिव्यक्ति, अ ग्रुप ऑफ क्या इंडिविजुअल, इस कैटेगरी में हम लोग फिट बैठते हैं। मतलब पहले लाइन के हिसाब से हम समुदाय हैं, जैसा आप मैंने लिखा है, अभी लिखना नहीं ना। दूसरा, क्या लिखा है मैंने, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, समुदाय। यू आर इंडियन, हाँ कि ना रे, इंडियन कम्युनिटी का नाम है, आप भारतीय समुदाय के हैं। क्यों बोल रहे हैं आपको भारतीय समुदाय, बहुत सारे तो, पर एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया है, हाँ कि ना, उसके अंदर निवास करते हैं आप, इसलिए आप भारतीय क्या है, समुदाय के हैं। इज इट क्लियर। तो कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है लोकेलिटी, मतलब एक फिक्स ज्योग्राफिकल क्या एरिया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले क्या लोग, बात समझ आई। अगर ये लोकेलिटी नहीं होगा तो फिर वो नहीं कहलाएगा क्या, समुदाय। और इसी से मैं सिखाऊंगा परिभाषा कैसे बनाते हैं। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं अभी आपको, एलिमेंट्स। पहला क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो एक निश्चित क्षेत्र में रहने, क्लियर है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, एक विशिष्ट क्या होना चाहिए, क्षेत्र, क्लियर। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या, कम्युनिटी स्प्रिट, एक भावना की बात कर रहे हैं हम, सही लिखो ना, स्प्रिट, स्पाइट लिख दिया, क्या पता ठंडी गर्मी का मौसम है ना, कैसे लिखते हैं, RIT ना, EV, ठीक है, फीलिंग्स, भावनाएं,
तो सिर्फ एक क्षेत्र में रहने वाले लोग को हम समुदाय नहीं कहते, तब तक उनके बीच में क्या ना पाया जाए, सामुदायिक भावना। अब प्रश्न ये खड़ा है कि सामुदायिक भावना क्या है। ठीक, इसको डिफाइन करता हूं मैं। तो सामुदायिक भावना या कम्युनिटी जो स्पिरिट है सर, ये क्या है समझिएगा। यहां पर किसकी भावना? हम की भावना, राइट। तब कहते हैं उसे क्या, कम्युनिटी। क्या इसको कर्तव्य की भावना। अगर आप इंडियन है बाय कम्युनिटी तो सिर्फ राइट्स ही नहीं तो ड्यूटी भी है आपकी, हाँ कि ना। समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य है आपके, कुछ रोल है आपके, उस रोल को अगर आप मानते हैं देन यू आर द मेंबर ऑफ इंडियन क्या, कम्युनिटी। बात समझ आई। एंड थर्ड, और आप इस बात को मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी के लिए दूसरों पे क्या है, निर्भर है ना। अगर अंबानी भी कितना ही पैसा कमा ले, सब्जी तो ही खरीदता होगा, है ना, कि वो भी उगा लेता है वो। अरे किसी न किसी के लिए डिपेंड होगा वो, सही है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप देखो, सेल्फ डिपेंड वो अलग वर्ड है, वो आपकी प्रोफेशन बोले बोलते हैं, पर आप अपनी लाइफ में किसी न किसी के लिए दूसरों पर क्या रहेंगे, निर्भर, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ये तीन चीजें हैं आपके मन में, हम की भावना है, अपने दायित्व की भावना है, और किसकी भावना है, निर्भरता की, तो इन भावनाओं को हम कहते हैं कम्युनिटी क्या। अगर ये है तब फिर इससे मिलकर बनता है बच्चों क्या, समुदाय। तो क्या भारत में रहने वाले लोग एक समुदाय के लोग हैं? यस। इफ यदि उनके मध्य कौन सी भावना होगी, हम की भावना होगी, देश को लेकर चलेंगे वो, हाँ कि ना। अगर एक समुदाय की मेंबर है तो कुछ रोल भी होंगे उनके, सही है, और इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि दूसरों पर क्या है, निर्भर। इंटरडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्लियर। अगर ये तीन चीजें हैं तो ये कहलाता है कौन सी भावना, समुदाय। और जब तक ये नहीं होगी तब तक नहीं बन सकता क्या, समुदाय। तो केवल एक क्षेत्र विशेष पर रहने मात्र से समुदाय नहीं बनता जब तक उनके मध्य पैदा पाया जाए। अब इसी से परिभाषा निकाल लेंगे, सही ना। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, सही है, निवास करने वाले या रहने वाले क्या, व्यक्तियों का समूह जिनके मध्य, लिख सकते हैं सर, काम बन गया। चीजों को याद करने के लिए सिनॉप्सिस बनाते हैं हमने, सही है। तो अब परिभाषा आप खुद बना सकते हैं, सही है। तीन एलिमेंट चाहिए, पहला ग्रुप ऑफ पर्सन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा है एक फिक्स एरिया होना चाहिए, और तीसरा और मोस्ट कौन सी भावना, सामुदायिक भावना किसे कहते हैं। आप चाहे एक्सप्लेन, वी फीलिंग, रोल फीलिंग एंड क्या, डिपेंडेंसी फीलिंग। हम की भावना होनी चाहिए, दायित्व की भावना होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, क्लियर। यदि ये तीन पाया जाएगा तो इसे कहेंगे क्या, सामुदायिक भावना। जब तक ये नहीं होगा तब तक निर्मित नहीं हो सकता क्या, समुदाय। मैं अमेरिका में रहता हूं, एक फिक्स एरिया है, पर मैं अमेरिकन नहीं, मैं अब भी क्या हूं, इंडियन, क्योंकि मेरी हम की भावना किसके प्रति है, भारत के प्रति है, हाँ कि ना। तो विदेश में रहकर भी क्या कहलाते हो, इंडियन कहते हो क्या, क्योंकि आपकी वो हम की भावना, वो कम्युनिटी स्पिरिट किसके प्रति है, भारत के प्रति, हाँ कि ना। क्या विलेज एक कम्युनिटी है? अरे गांव है, समुदाय, एक निश्चित भूभाग होता है,
बहुत सारे लोग अगर गांव में सबसे मस्त है वहां आज भी पढ़ाया जाता है क्या? सामुदायिक भावना, शायद शहरों में ये फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। ऑलराइट, पर विलेज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या? कम्युनिटी। नहीं, कंट्री भी है, नेशन भी है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग है कि नहीं। तो गांव में लोग दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कुछ मृत्यु हो जाए तो लोग वेट नहीं करते कि वो बुलाएगा, लोग खुद पहुंचते हैं, पैसे नहीं है तो लकड़ी भी खुद खरीद देंगे, फूंक भी देते हैं। राइट, लड़की की शादी पूरा गांव मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से लोग हेल्प, उसे कहते हैं क्या? ये कहीं पाई जाने पा जाए तो भारत के गांव में ये पाया जाता है। इसलिए अगर सबसे अच्छा उदाहरण बोलू समुदाय का तो कौन है? विलेज, गांव। हम राइट, समझ आया कुछ? समझ आए द कम्युनिटी स्पिरिट? इसको ऐसा, ये है नोट्स, ठीक है, लिखते कैसे? अब ये याद है तो फिर खेल देना शब्दों से, समझ रहे बात को? कि लिखा घिसा पिटा उत्तर चाहिए, कोई कल वाला मैडम वाला समुदाय का अभिप्राय शास्त्र में निश्चित बोलूंगा मेरी अगर बता रहा था ना, वो आती मैडम लिपस्टिक लगा के बैठ के मैं वो मेरी आराध्य है, उनको नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो आप खुद बनाइए इसकी क्या डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं है, बस कुछ वर्ड्स हैं, जोड़ लेंगे इसको। तो अब तक समुदाय का मतलब हमें लगता था कि कोई रहने वाले लोग हैं, पर आज सोशियोलॉजी में समुदाय मतलब एरिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किससे बनता है? तीन चीज से। सिर्फ हम की भावना नहीं, उस समुदाय के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, सही है, उस रोल को फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस बात को आप स्वीकार करें कि आप दूसरों पर क्या है? निर्भर। यहां पर डिपेंडेंसी डिफरेंट वे में, राइट। एक किसान है, वो हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, अब उसको हल में लगाने के, हल बनाने, हल कौन बनेगा? वो बढ़ाई, नीचे फाल कौन लगाएगा? वो लोहार, यू नो फाल, है ना, डिपेंडेंट। समझ आया कि क्या इंडिया एक कम्युनिटी है? हाँ, यदि लोगों के बीच में कौन सी भावना है, डन। समझ आया आपको? ये तीन एलिमेंट्स है, इसको कॉपी में लिखना है और इसी के आधार पर फ्यूचर में क्या बनाना है, उसकी परिभाषा। दो नंबर, चार नंबर का कंटेंट दिख रहा है, और इसके बाद आएंगे इसकी प्रमुख क्या विशेषताओं के। तो फटाफट लिखें आप, नहीं कुछ काम का है ना, इसलिए बोल रहा हूं। अब इसे लिखे तब तो विशेषता लिखूंगा मैं, बस एक फिर लिखवा रहा हूं मैं। हाँ, समुदाय लिखिए, अनिवार्य तत्व, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लोकैलिटी एंड कम्युनिटी स्पिरिट, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना। दिख रहा है बोर्ड में? और सामुदायिक भावना को खींचकर ये तीन पॉइंट, हम की भावना, दायित्व की भावना और क्या निर्भरता की भावना। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, किसी का नाम तो नहीं है ना भावना, किसी का नाम तो नहीं है भावना, सोच रहे मैं कुछ भी बोल सकता हूं मैं, नहीं है ना, बाद में बुरा लग गया नहीं बोलना, श्योर? कोई ऑनलाइन दूर की भावना हो गया, बस ये सिखा रहा हूं कि नोट कैसे बनाते हैं, ठीक बन गया ये। और आपको आने वाले समय भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे, सही। अब आते हैं, हाँ, अब दो लाइन छोड़ो, ये लिख लिया, दो लाइन छोड़िए, ऐसे घर जाकर वहां पर एग्जैक्ट दो लाइन में डिफाइन करना कि इसको समुदाय को, शब्द है आपके पास, फिट करना है आपको, कर लेंगे काम, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, देखिए फिर डेफिनेशन खुद बनाओगे आप, हो गया। अब लिखिए समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, तो जो बहुत सारा है मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर। समुदाय की प्रमुख
विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सर जी सोशियोलॉजिस्ट नेम भी कोट करना है? बिल्कुल नहीं करना है अखिलेश, जब लगेगा तब बताऊंगा मैं कहां पर डालना है किसी समाजशास्त्री का नाम। क्लियर? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कहीं पर भी ये डिमांड नहीं है कि वो पर्टिकुलर नाम समझे। सिर्फ आज तक एक प्रश्न आया है वो कूले वाला, उसके अलावा कभी भी उसने नाम नहीं लिखा है। राइट? जब कोई थ्योरी आएगा ना प्रतिमान मॉडल, तो वहां पर मैं यूज करूंगा क्या कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नाम। ये कॉमन डेफिनेशन है और कॉमन नहीं लिखना है, लिख सकते हैं। और एकदम एग्जैक्ट आप सोशियोलॉजिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज नहीं है ये, बिल्कुल कोई सामान्य भाषा में लिख रहे हैं कि 15 इकट्ठा हो गए घर में रहने लगे। सही ढंग शब्द है, मिलन हो गया तो हम क्यों हो रहा नहीं है भाई, तुम सही लिखा हुआ चीज। लेकिन विशेषता है उसकी। लेकिन पहला कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक, फिर आप सेकंड वाला खुद लिखेंगे। अच्छा एक बार बोर्ड पे देखिए, क्या ये 3 पॉइंट विशेषता नहीं है? पर ये 3 तो मैंने ऊपर कहां लिख दिए डेफिनेशन में, इसलिए इन 3 को लास्ट का 3 बनाना। समझ आया? ऐसे 8 विशेषताएं मैं याद कर रहा हूं तो शुरू में 5 वो लिखूं तो ये नहीं होने चाहिए। फिर मेरे को पन्ना ही भरना है तो फिर मैं लास्ट लिखूंगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सही है क्या, लोकेलिटी, और फिर लिखूंगा मैं क्या कम्युनिटी, क्या इसकी, यानी 3 ये जो वर्ड है ये 3 उसकी क्या है विशेषता है। पर तुरंत मत लिखना क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर मेंशन है, तो इसको लिखेंगे कब, जब मेरे पास स्पेस को भरना होगा तभी वो लिखे। लिखिए पहला, परमानेंसी, स्थायित्व। लिख लिया। सेकंड लिखिए, नीचे लिखा नीचे है ना, आगे जाके भी भरेंगे बगल में। लिखा परमानेंसी, लिखिए विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। लिखिए कंपल्सरी मेंबरशिप, अनिवार्य सदस्यता। कंपल्सरी मेंबरशिप, अनिवार्य क्या बोला, सदस्यता हो गया। लिखिए कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन। लिखिए कॉमन रूल, सामान्य नियम। कितने हो गए? बस बाकी 3, ये 3 इधर है। अब लिखो व्यक्तियों का समूह, छठवा लिख रहे हैं क्या, सातवा विशिष्ट क्षेत्र, आठवा क्या सामुदायिक भावना। 5-3 कितने हो गए? 8। अब दुनिया कोई ताकत आपको 8 में से 8 रोक नहीं सकती, सही। नीचे का 3 पता है आपको, अभी डिफाइन किया, आइए ऊपर की डिफाइन करते हैं। सुनिए ना, मैं लिखूंगा कुछ नहीं। परमानेंसी लिखा है क्या? समुदाय का जो नेचर है, ठीक है, वो परमानेंट होते हैं, आसानी से टूटते बिखरते नहीं है। हाँ, ज्योग्राफिकल एरिया छोटा बड़ा हो सकता है। मैप, अब जैसे इंडिया का मैप है तो एंशिएंट टाइम बहुत बड़ा एरिया था वो, अरे सही ना, तो अभी भी इंडिया है ना, स्पेशल नाम है उसका इंडिया, गांव का नाम सेज बहार रहता है। एक कम्युनिटी के अपने विशिष्ट क्या होते हैं नाम, वो दूसरा लिखा है आपने, अरे लिखा है ना लाइन से, पहला क्या लिखा है आपने, स्थायित होता है। देखो समुदाय बना कैसे, समझिएगा, जैसे अब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, है ना, सारा का सारा सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी किनारे हुए। हमें दुनिया में सारी सभ्यताओं का विकास नदी किनारे हुआ, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे आप नील नदी पढ़ते हो इजिप्ट का, तो नदियां थी तो लोग आज सही है। तो मान लीजिए एक परिवार यहां आता है बसा, अभी एक परिवार एक फैमिली है ये, सही है, देखते देखते कुछ और परिवार बसने लगे, सही है, अभी वो परिवार, फिर इनके बीच में कुछ चीजों का एक्सचेंज होगा, सोशल एनिमल है ना हम लोग, डिपेंडेंसी वाला मॉडल, फिर धीरे धीरे इनके बीच में वो डेवलप हो जाएगा कम्युनिटी स्पिरिट,
क्योंकि लंबे समय तक एक क्षेत्र में रहने से ऑब्वियसली कि अटैचमेंट तो बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर ये एक एरिया एक क्या बन जाएगा कम्युनिटी। तो इसका विकास एकाएक नहीं हुआ, राइट, इट्स नॉट ए स्पॉन्टेनियस बर्थ, मतलब ये अचानक बनते नहीं है, इसीलिए ये अचानक टूटेंगे भी नहीं। हाँ, एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, पर कम्युनिटी से कटकर अलग कम्युनिटी ही बनेगी। अगर भारत से अलग हुआ बांग्लादेश तो एक अलग कम्युनिटी, सही ना, अलग हुआ पाकिस्तान तो है ना आज भी, बस नाम क्या हो गया उसका, कोई इशू नहीं, बात समझ आई। तो परमानेंट इन नेचर है ये, क्योंकि ये अचानक बने नहीं है, क्लियर, सही। दूसरा, इनका अपना एक क्या होता है नाम, गांव के नाम होते हैं, देश का नाम होता है, फिर क्या लिखा आपने नेक्स्ट, ये आप बाय बर्थ है ये। तो एक होता है वॉलेंट्री, मतलब मेरी मर्जी की मैं उसका मेंबर बनूं, जैसे क्लब है, क्लब पढ़ेंगे भी, जैसे क्लब है तो क्लब में अनिवार्य नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरी कुछ नीड है वहां पर तो मैं बनूंगा मेंबर, तो क्लब का मेंबर बनना ये वॉलेंट्री हो गया, ऐच्छिक है, सही है। पर ये जो कम्युनिटी है इसकी मेंबरशिप ऐसी है कंपल्सरी, बर्थ हुआ भारत में, वी फीलिंग्स आएंगी, आप सदस्य बन गए किसके, भारत के समुदाय, इज इट क्लियर, कि आप पर डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर, कि आपका ऑप्शन नहीं है, क्लियर, सही है। फिर क्या लिखा है आपने, कॉमन लाइफ एंड कॉमन रूल्स, याद रखिएगा कम्युनिटी में ये आवश्यक नहीं कि आप हर किसी को जानते हो, क्लियर, जान भी सकते हो और नहीं भी, क्लियर है, जितना बड़ा कम्युनिटी होगा तो हर किसी को जानते हैं आप नहीं जानते, तो सब के सब संचालित होते हैं कुछ कॉमन रूल से, वो बनाती है स्टेट। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ सबके लिए है ना, अरे है ही नहीं यार, तो लॉ सब पे लागू होता है भारतवर्ष में, आप कोई भी लॉ पढ़िएगा सेक्शन 1 लिखता है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, अरे है ना, रे कॉमन लाइफ है उनकी, कॉमन लाइफ इन द सेम कि कम्युनिटी के सारे लोग एक जैसा काम नहीं करते, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सही है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, लेबर है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सही है क्या, अपने अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, हाँ कि ना, कोई कॉमन गोल नहीं है उनका, राइट, सही ना, कॉमन लाइफ है मतलब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सही है, उसके अनुसार अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं और सब के सब संचालित होते हैं कुछ सामान्य क्या नियम से, हाँ कि ना, तो वो कॉमन लाइफ लिखा है एक बार आपने, और ये लिखा है कॉमन क्या रूल। फिर पहलू, समुदाय के लोगों से परिचित होना आवश्यक नहीं है, समुदाय जितना बड़ा होगा आप हर किसी को जानते नहीं है और जानना आवश्यक भी नहीं है, क्लियर, और विलेज छोटा होता है तो हर किसी को जानते हैं। अब इंडिया इतना 150 करोड़ की पॉपुलेशन है क्या सबको जान रहे हैं, फिर भी आप बाउंड हैं, लोग जुड़े हुए हैं किस भावना से, हम की भावना से, क्लियर, हाँ कि ना, तो ये 5 हो गए, ताकि नीचे के 3 ऊपर बोर्ड पे हो, समझ आया कैसे लिखना है, तो एकदम नया चीज नहीं बताइए, फिलॉसफी तो है नहीं, ये आप भी जानते थे, सही है, और जो समझाने वाला पॉइंट था वो ये था, डन करें, वो समझ आया बच्चों, कंपल्सरी मेंबरशिप, कुछ सदस्यता आप पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि आप किसी घर में पैदा हुए तो उस परिवार के मेंबर रहोगे ना, तो खुद का परिवार बनाना ये अच्छी है, अरे शादी यार वो तो आप पे डिपेंड करते ना, किससे करोगे, पर माता पिता कौन होंगे ये आप पे डिपेंड नहीं करता, समझ आया, ठीक है, क्लियर, ये था समुदाय, कितनी विशेषताएं हैं इसकी, 8, बहुत सारी, मैंने 8 बेस्ट लिख दिया। चलिए तो अब आते हैं एसोसिएशन पे, और वो जो आपने अभी लिखा है ना एक वर्ड, वो लाइन अभी क्लियर करता हूं, ठीक, अब इसी का एक पार्ट है, क्या लिखा है मैंने, समिति, एसोसिएशन, ठीक, अब इसके लिए क्या है समझिएगा, बात
ये भी व्यक्तियों का समूह होगा, है ना। मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं उसके, तो ये तो एकदम कंपल्सरी कि लिखूंगा ही लिखूंगा मैं कि यह व्यक्तियों का एक क्या है, समूह। आप समझिएगा ना कि अगर वो एसोसिएशन है तो मस्ट है यस, इसका अपना एक विशिष्ट क्या होगा, उद्देश्य। इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है क्या, जैसे क्लब, राइट। क्लब ये मेट्रो प्लेटो सोसाइटी जो है महानगरी सभ्यता की देन है, और बड़े बड़े कॉलोनीज में ये लिख कर आता है, एमिटी पढ़ा है आपने, क्लब होगा तो क्लब यानी वहां पर उसे बनाया गया कि जिनका अपना उद्देश्य होगा एंटरटेनमेंट, अरे मनोरंजन के लिए आप मेंबर बनते हैं किसके, क्लब। तो क्लब को बनाया गया है एक विशिष्ट क्या, उद्देश्य। तो अगर इसी कम्युनिटी में आपने क्या वर्ड जोड़ दिया, उद्देश्य को जोड़ दिया, तो फिर वो बन जाता है बच्चों क्या, समिति, एसोसिएशन। और तीसरा और मोस्ट पॉइंट कि अगर वो कोई समिति है, एसोसिएशन है, तो उसे संचालित करने के लिए उस एसोसिएशन का अपना एक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। एग्री है इस बात से आप, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हायरार्की, अर्थात उस समिति को चलाने के लिए कुछ पद बनाए जाते हैं क्या, ये अध्यक्ष होगा, सोसाइटी में भी रहते हैं अपने कॉलोनी में, ये कॉलोनी की प्रेसिडेंट ऐसे रहता है ना बच्चों, ये केयर टेकर, ये जो स्टेटस है अलग अलग पोस्ट, ये बताते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, सही है। तो समिति में तीन चीजें मिली आप, पहला क्या, ये तो कॉमन है, दूसरा समिति मतलब उसमें जितने भी मेंबर है उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होगा, और उसको फुलफिल करने के लिए वो एक क्या बनाएंगे, संगठन, ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो आपकी जो नीड है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या होती है, फुलफिल। एग्जांपल दो इसका, हाँ, स्कूल, या छात्र समिति, अरे वो मोहल्ले में था ना चुगली महासमिति, अरे महिला समिति, अरे बहुत सारे होते हैं बच्चों, आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखा है यार, रैंकिंग में, यूनियन एसोसिएशन एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फंडामेंटल राइट्स से मूल अधिकार है आपका संघ और समिति और सहकारी समिति बनाने का, राइट। ऐसे हजारों समिति एग्जांपल आपके पास है, बिल्कुल, छात्र समिति है, मोहल्ले में गणेश उत्सव समिति है, सही है। तो मैंने वो एग्जांपल दे जिसके पीछे में समिति नहीं लिखा था, स्कूल, आप लोग स्कूल को संस्था मानते हो, और मैंने क्या बोल दिया उसको, लेट मी चेक, है ना। स्कूल क्या हुआ, बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल, टीचर्स है, स्टाफ है, स्टूडेंट है, हाँ कि ना, क्या विशिष्ट उद्देश्य, यस एजुकेशन, हाँ कि ना, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल, पूरा एक सिस्टम होता है वहां पर, ये है प्रिंसिपल, ये है वाइस प्रिंसिपल, ये है क्लास हेड, हाँ कि ना, अदर स्टाफ प्यून सब होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो काउंसलर होते हैं, अरे क्या होता है ये, बच्चों से बात करते हैं, जैसे टीचर ने डांट दिया बेबी, नहीं टेंशन नहीं लेने का, नो 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 नो, इट्स अ कैजुअल, क्योंकि वो बच्चे लटक जाते हैं इसमें, और हम हिंदी मीडियम तो मार खा के ऐठे रहते थे, आओ मार लो सर, मार लो सर, कभी नहीं मरे हम, जितना मार हम खाए अगर कम से कम 100 बार तो मर गए होते, तो अपन बायलर मुर्गा नहीं, देसी मुर्गा है, ये है बायलर, थोड़ा जोड़ी अपने को मार, अपन जैसे बोले होमवर्क किए हो, ये हमारा ना है, चोट ले साले जा, तभी भी डांट है यहां पर, काउंसलर होता है बच्चे, टेंथ के बाद जैसे आप बड़े स्कूल पढ़ेंगे तो बकायदा आपका कैरियर काउंसलिंग होगा वहां पर, कि क्या सब्जेक्ट ले, हम तो लिए फैशन में, तू क्या ले रहा है, मैथ्स, भाई है तू मेरा, मैं भी मैथ्स लूंगा, कमजोर इससे मतलब नहीं है, मैं सही कह रहा हूं आपको, आपने ट्रेंड फॉलो किया है, इंटरेस्ट नहीं, आधे लोग कुछ ये नहीं पता कि मैथ्स लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं,
आपको मैथ से प्रेम था ये मैं आप लोग बता रहा हूं, मैथ तो अच्छा था, दो ठो जो आए ना दहेज में याद है, और हम हिंदी महीने वाले ना इतना पतला सा किताब पढ़ते थे विज्ञान का, टेंथ में दन से तीन ठो इतना मोटा मोटा हुआ, 92% से मैं सीधा 58 पे गया हूँ और ओरिजिन में बाई ग्रेस पास हुआ मैं, क्योंकि समय नहीं मिला मैं उस तीन का ट्यूशन करते करते, सही है, ये धोखा हुआ हमारे साथ, मैथ्स को दिखा कर साले दो पढ़ा दिए। अब बताओ तो स्कूल इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक एसोसिएशन है, बिल्कुल स्कूल एग्जाम्पल कॉलेज यस, हाँ बाकी जो आपने नाम लिया दुर्गा उत्सव समिति उसके तो नाम के पीछे में ही क्या लिखा हुआ है समिति, आप पिक कर सकते हो। अब आपके एक क्वेश्चन, इज इट फैमिली कम्युनिटी और एसोसिएशन, परिवार एक समुदाय है या समिति, हाँ भैया इसको लिख के लाएंगे घर से, परिवार समुदाय या समिति, अब इसको कैसे चेक करना है समझिएगा बात को, आप परिवार लिए फैमिली तो आप मैच करिए कि किसकी विशेषताओं को मैच कर रहे हैं, सही ना, फिर आइए कंफ्यूजन में कि सर वो क्या है हमारा, राइट हाँ, अब आइए हाँ तो समुदाय समिति क्या है, एसोसिएशन, तो पहला चीज स्पेसिफिक मोटिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्या होगा जो किससे बनेगा, क्या कहा जाएगा उसको, राइट, तो एसोसिएशन इज द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का विशिष्ट क्या है ये समूह, विच फुलफिल देयर नीड्स एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइज्ड वे, जो अपने विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति क्या बना करते हैं संगठन, हाँ बोलिए, अभी विशेषता पे आने दीजिए, अभी तो मुर्गा लाया हुआ था काट के पूरा पोटा पानी निकाल दूंगा, ऐसा मत लीजिए आप, विशेषताएं लिखिए, चलिए अब आप लिख लीजिए, वॉलंटरी मेंबरशिप, ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मतलब डिपेंड ऑन यू, राइट, क्या हर कोई स्कूल जाता है क्या, इसको लगता है कि शिक्षा प्राप्त करना है एजुकेशन वही जाएगा, हाँ कि ना, वॉलंटरी है, कॉलेज में रहे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन रहे होंगे, छात्र समितियां आपको लगा तो आप मेंबर बने, हाँ कि ना, नेक्स्ट वो ऊपर में जो समुदाय लिखे हो ना, अरे कम्युनिटी वाला, उसका पहले क्या लिखे थे, परमानेंसी, यहां लिखिए टेम्परेरी, मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करते हैं, क्या ये अस्थाई होगा, उद्देश्य पूरा, समिति डिजॉल्व हो गई है, क्या अभी भी आप कॉलेज के मेंबर हो क्या, स्टूडेंट यूनियन था जब तक था तब तक थे, अरे क्लब में हो मोहल्ला चेंज क्लब गया, अरे आपकी जैसे उस उद्देश्य की पूर्ति हुई समिति भंग हो जाती है, हाँ कि ना, ऊपर क्या लिखी होगी समुदाय में, स्पेसिफिक नेम नहीं, सब लिखिए अगला, थॉटफुल एस्टेब्लिशमेंट, विचार पूर्वक स्थापना, विचार पूर्वक क्या लिखा, स्थापना, ये क्या लिखा सर आपने, देखिए इसे ना बनाया जाता है, ये अपने आप बनता नहीं है, समुदाय कैसा था, वो अपने आप डेवलप हुआ था, नदी वाले दाम पर बच्चों, पर समिति को हम जानबूझकर सोच विचार करके बनाते हैं, सही है, तो विचार पूर्वक इसकी क्या होती है, स्थापना, क्लियर है, ये अपने आप बनने वाले नहीं है, क्लियर, लिख पाए, अगल बगल मत देखें, अगर आपको स्वयं नहीं दे रहा है तो बगल वाला भी बहरा है, तो आप मेरी तरफ देख लिया करें, मैं फिर से बोल दूंगा, दोनों मीडियम में तो दिक्कत तो होगी, आपको मेरा फर्स्ट याद होगा, मैं ये बात कहता भी था कि मेंस बायलैंगुअल नहीं होता,
राइट, क्योंकि दोनों के वर्ड अलग अलग है, मेरा प्राण निकल जाता है बोलते बोलते, ठीक है। ऊपर से टाइम बाउंडेशन है कि इतने घंटे में होना चाहिए, तो देखा जाता है मेरे को डबल आवर्स चाहिए, सही है। मैं लिख नहीं रहा इसीलिए मैं दोनों में लिखूंगा, दस दस विशेषताएं तो मेरे हाथ पर खराब हो जाएगा, और मैं कुछ रखा नहीं हूं ना, मैं देख के नहीं लिखवाता, देख लो लिखा है रे, ये इंटीग्रेटेड मेंस कंपनी इंडियन पॉलिसी, ये तो चाहे ठीक है तो उसे लिख भी सकता था, पर दोनों में कितना लिखता हूं मैं, ठीक है। था कितना पॉइंट हो गया अपना, तीन हो गया, चार हो गया। अच्छा पर टेम्पररी इन नेचर, वॉलंटरी मेंबरशिप, थॉटफुल एस्टेब्लिशमेंट, एक मिनट कहा है छोटू, ये सही लिखा हुआ ना इसके लिए, हाँ यही, हाँ वही, आप लिखे बताता हूं कहा लिखा, ये चार हो गए ना। अब ये क्या है सर, तो जितने भी एसोसिएशन होते हैं इनका एक स्पेशल मार्क होता है, आप देखिएगा एसबीआई बैंक एक मोनो है उसका, है क्या स्कूल कॉलेज के होते हैं, हमारी कोचिंग का भी एक को है। अबे मैं अपने आप को देखो मेरे क्वेश्चन है इधर हो गया मैं भी डर गया, इतना भी नहीं मिलता कि मैं उनका ड्रेस पहन लू। जैसे चर्च, समझ आया, तो जो अरे बच्चे सॉरी सॉरी काटी काटी उसको तो घबरा गया मामला, उसको काट दीजिए काट दीजिए, काट दी उसको, वो मेरे को अगला याद आ गया, हटाइए उसको। अब फिर से पढ़ी क्या क्या लिखिए अपन, विचार पूर्वक क्या स्थापना, जैसे आप इसको लिखोगे ना अपने घुस जाएगा ये, हाँ लिखिए, हाँ लिखिए अगला, डिफरेंट स्टेटस परिस्थिति कहते हैं, विभिन्न परिस्थितियां, इसका मतलब समझते हो आप, यानी समिति में सभी लोग बराबर नहीं होते, उनके अलग अलग डेजिग्नेशन होंगे, अरे कोई हेड होगा, सब लोग बराबर नहीं होते, तो पदों का वर्गीकरण ऐसे रहेगा, हायरार्की कहते हैं इसको, नहीं नहीं इसके लिए मस्त वर्ड है यही, तो टेम्पररी नहीं होती वो, पर हो भी सकती है संस्था है, मैं गलती से बोल दिया था, परिस्थितियां डिफरेंट स्टेटस इन एसोसिएशन, बताता हूं मैं आप पहले लिख तो ले, लिया परिस्थिति बैंक में लिखो पोस्ट, अब ठीक है, पर याद रखना कुछ वर्ड होते हैं सोशियोलॉजिकल, यहां पर पोस्ट नहीं, उसे क्या कहते हैं स्टेटस, या हिंदी में उसे कहते हैं क्या परिस्थिति, स्थिति होता है ना उसमें प्र लगा दीजिए, ये देखिए ऐसा बकायदा आपका एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल, तो ये बता रहा है कि अगर कोई समिति है तो सभी लोग बराबर नहीं होंगे, राइट, उनके रोल के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग क्या होंगे परिस्थितियां, सही है। जैसे कोई छात्र यूनियन था तो एक उसका होता था प्रेसिडेंट, होता था ना, वो हो गया उस एसोसिएशन का क्या हेड, कि उसको हेल्प करने के लिए एक वाइस होता था, तो पूरे अलग अलग होते हैं ना, कि सब लोग बराबर होते हैं, तो समिति की खास बात यहां पर अलग अलग क्या पाई जाएंगी परिस्थितियां पाई जाएंगी, इधर क्लियर, अब कितने पॉइंट हो गए, चार, अब तीन छात्र बढ़ा हुआ, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विशिष्ट उद्देश्य, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका अपना क्या होता है संगठन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर।
Thank you.